ठीक है, कितना आपने अटेम्प्ट किए? 120 के आसपास। मैथ ठीक ठाक, पेपर कैसा रहा भाई? अच्छा गया। कितना आपने अटेम्प्ट किए? अटेम्प्ट तो पूरा कि मतलब सेकंड साइड। कितना आपने अटेम्प्ट किए टोटल? टोटल अटेम्प्ट मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री में 60-60 क्वेश्चन था, तो अप्रॉक्स 40 तो कर ही दिए। मैथ में कितना अटेम्प्ट किए? मैथ में था 90 क्वेश्चन, जिसमें से 60 अटेम्प्ट कर दिए। फिजिक्स केमिस्ट्री? फिजिक्स केमिस्ट्री अच्छा गया, मैथ थोड़ा टफ था लेकिन फिजिक्स केमिस्ट्री सही था। फिजिक्स केमिस्ट्री के साथ? फिजिक्स केमिस्ट्री इजी था। कौन सा टॉपिक से ज़्यादा प्रश्न देखने को मिला फिजिक्स में? फिजिक्स में आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से, करंट से और ईएमआई से दिखाने मिला। और केमिस्ट्री में? केमिस्ट्री में सब में से था, ऐसा कुछ था नहीं प्रायोरिटाइज कि इसमें एक में ज़्यादा एक में कम, बाकी सब में इक्वल था। और मैथ में? मैथ में वेक्टर था और डिफरेंशियल इक्वेशन था, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, लिमिट्स का सबका था, ज़्यादा था। किस टॉपिक से ज़्यादा मैथ में देखने को मिला? वेक्टर। आने वाले स्टूडेंट के क्या फीडबैक देना चाहेंगे आप? कि वेक्टर पे ज़्यादा, मैथ पे ज़्यादा ध्यान दें क्योंकि मैथ ज़्यादा लेंदी और टफ आ रहा है, बाकी फिजिक्स केमिस्ट्री इजी था। गुड लक ब्रदर। थैंक यू। और भी स्टूडेंट से मिला रहे हैं आपको, जस्ट देखिए स्टूडेंट सब निकल रहे हैं। कितना आपने अटेम्प्ट किया? कितना रहा अटेम्प्ट सर? बहुत बढ़िया रहा। मैथ का लेवल कैसा था? टफ, मॉडरेट था। और फिजिक्स केमिस्ट्री की बात करें? नहीं तो बहुत अच्छा गया था, बस टाइम कम था, क्वेश्चन बहुत इजी था। बताइए उसमें मैथ का कितना क्वेश्चन था? मैथ का आपको 90 क्वेश्चन था, वो 90 क्वेश्चन था। फिजिक्स में 75 था और केमिस्ट्री में 60 क्वेश्चन था। इजी क्वेश्चन था और टाइम बस ज़्यादा मतलब कि लग गया बस, और कुछ नहीं, नहीं तो क्वेश्चन ही था। किस टॉपिक से ज़्यादा प्रश्न देखने को मिला? सब टॉपिक से था, सब टॉपिक से। फिजिक्स की बात करें? फिजिक्स से सब मतलब कि आपको सब तरफ से, 11th का भी सिलेबस था, 12th का भी सिलेबस था, सब तरफ से सिलेबस था, मतलब कि इक्वली सब में था, डिवाइड किया हुआ। प्रीवियस पेपर से कैसा कर? प्रीवियस से था थोड़ा बहुत, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं, नया क्वेश्चन, लेकिन बात वही सेम टू सेम स्कीम पे रहता है, तो ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है भाई। गुड लक। थैंक यू। हेलो भाई, कैसा रहा भाई पेपर? अभी मिला रहे हैं स्टूडेंट से आप, धीरे धीरे स्टूडेंट निकल रहे हैं अभी। कैसा रहा? अरे बहुत खराब रहा। प्रश्न अभी निकल रहे हैं स्टूडेंट भाई, बताइए कितना आपने अटेम्प्ट की? 178 क्वेश्चन। मैथ का पेपर कैसा था? ठीक था, ज़्यादा हार्ड नहीं था, आसानी था। फिजिक्स की बात करें? फिजिक्स बहुत ईजी था। केमिस्ट्री? केमिस्ट्री मेरा थोड़ा केमिस्ट्री वीक है, तो हमको थोड़ा टफ लगा था, बाकी पूरा पेपर मीडियम से मॉडरेट था, मतलब आसानी था, मतलब हार्ड नहीं था। प्रश्न को ईजी टू मॉडरेट कह सकते हैं या मॉडरेट? ईजी ही कहेंगे ज़्यादातर, मॉडरेट भी नहीं, ईजी। आने वाले स्टूडेंट के लिए कुछ फीडबैक देना चाहेंगे? पूरा अच्छे तरह से मैथ्स को कवर कर लो, क्योंकि बहुत ज़्यादा मैथ्स का क्वेश्चन रहता है, टाइम कम रहता है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। क्या नाम है भाई? अमिताभ। गुड लक। थैंक यू। और भी स्टूडेंट से मिला रहे हैं आप, कितना आपने अटेम्प्ट किया भाई? फिजिक्स में 40, मैथ्स 45, केमिस्ट्री 30। मैथ की बात करें? मैथ्स ईजी था, मतलब ईजी था, टाइम कम था, एक्यूरेसी वाला चीज़ था। किस टॉपिक से ज़्यादा प्रश्न उठाया गया मैथ में? कोऑर्डिनेट्स, कॉम्प्लेक्स और फिर प्रोबेबिलिटी, अलजेब्रा कोऑर्डिनेट का ज़्यादा था। फिजिक्स की बात करें? फिजिक्स में थ्योरेटिकल था सब। केमिस्ट्री? केमिस्ट्री भी थ्योरेटिकल, एनसीईआरटी हो गया। फिजिक्स में कितना प्रश्न था? 75। और केमिस्ट्री? 60। और आने वाले स्टूडेंट के लिए क्या कुछ फीडबैक देना चाहें? नहीं, एनसीईआरटी पढ़ो, निकल जाएगा। भाई गुड लक। ठीक है, थैंक यू। और देखिए स्टूडेंट आ रहे हैं धीरे धीरे, उन सभी से मिलाते हैं आप सभी को। एक सेकेंड, कुछ स्टूडेंट जल्दीबाजी में हैं इसलिए निकल रहे हैं, और आ रहे हैं स्टूडेंट धीरे धीरे, मिला रहे हैं आप सभी को। भाई बताइए कितना आपने अटेम्प्ट किए? 100 के अबाउट। मैथ का लेवल कैसा था? मैथ मतलब मॉडरेट था। केमिस्ट्री?
और न्यूमेरिकल ज्यादा प्रश्न था या कंसेप्ट? न्यूमेरिकल था। और केमिस्ट्री में? केमिस्ट्री में वही ऑर्गेनिक से ज्यादा था। किस टॉपिक ज्यादा प्रश्न उठाया गया था? ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक। ऑल ओवर पेपर की बात करें तो एनसीईआरटी कैसा था? नहीं, एनटीआर से बियॉन्ड एनसीईआरटी था। एनसीईआरटी से ज्यादा था। आउट ऑफ था। हां, मतलब एनसीईआरटी से ज्यादा था, मतलब ज्यादा था। एनसीईआरटी फॉलो किया गया? हां। आने वाले स्टूडेंट के लिए कुछ फीडबैक? पढ़ते रहिए, बेसिक कंप्लीट कर लीजिए और क्या। ठीक है भाई, गुड लक।